morning, students. By the grace of God, we hope that you all are very well at your home and learning all the subjects very sincerely. So today in our biology class, we will continue the chapter Why Do We Fall Ill. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि डिजीज क्या होती है, कितने तरह की डिजीज होती है, डिजीज स्प्रेड कैसे होती है, ठीक है, और क्या क्या कौन कौन से जो पैथोजन्स हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं, ठीक है. आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिजीज माइक्रोब्स जो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में वो किस तरह से करते हैं. तो वो हम किसके थ्रू पढ़ेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस. जितने भी माइक्रोब्स ये पैथोजन्स बोल दीजिए या फिर डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट से एंटर होते हैं और अलग अलग ऑर्गन को टारगेट करते हैं और अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं. आप देखिए कि हमारी ह्यूमन बॉडी कितनी बड़ी है और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही नेक डाई से भी नहीं दिखता है, इतना ये छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है किस तरह से ये एंटर करते हैं हमारी बॉडी में और किस तरह से अलग अलग टिश्यूज को ऑर्गन को टारगेट करते हैं, किस तरह से जो है उसके साइन और सिम्टम्स शो होते हैं और किस तरह से वो डिजीज कॉज करते हैं. अगर हम देखें कि माइक्रोब्स जो है, सपोज कीजिए हम एग्जांपल लेते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, विच इज अ बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया या माइक्रोब कह सकते हैं एयर के थ्रू जाएगा हमारी बॉडी से, और ऑब्वियसली एयर के थ्रू कैसे जाएगा, हम इनहेल करते हैं एयर तो नोज के थ्रू जाएगा. नोज के थ्रू जाएगा तो हमारी जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है, मतलब लंग्स में जा रहा है, वो लंग्स को इन्फेक्ट करेगा. अगर कोई भी माइक्रोब नोज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, किसे इन्फेक्ट करेगा, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करेगा. और हमने अभी एग्जाम्पल लिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का. इसके अलावा कोई भी माइक्रोब अगर हमारी नोज से एंटर करता है तो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करेगा. माइक्रो बैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है ये भी एयर के थ्रू जाएगा, नोज के थ्रू जाएगा, एयर के थ्रू नोज बाया नोज जाएगा, लंग्स को इंपैक्ट करेगा और डिजीज क्या कॉज करेगा, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स ये जो है कॉज करेगा. इसके बाद अगर कोई माइक्रो सपोज कीजिए कि साल्मोनेला टाइफी है विच इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया, अगर वो माउथ के थ्रू एंटर करता है, देखिए माउथ के थ्रू अगर कोई माइक्रोब एंटर करता है तो उसके दो रास्ते हैं, दो टारगेट्स, दो ऑर्गन्स को वो टारगेट कर सकता है. या तो वो इनर लाइनिंग ऑफ गट में जा सकता है. गट क्या होता है, गट विच इज द एलिमेंट्री कैनाल या फिर आप स्टमक बोल सकते हैं जहां से जो है फूड अंदर एंटर करता है, और या फिर वो लिवर को भी टारगेट कर सकता है. अगर हम साल्मोनेला टाइफी की बात करें विच इज अ बैक्टीरिया, अगर वो माउथ के थ्रू जाता है तो ऑब्वियसली वो लाइनिंग ऑफ गट को इन्फेक्ट करेगा और वो क्या कॉज करेगा, वो टाइफाइड डिजीज कॉज करेगा. लेकिन अगर हेपेटाइटिस वायरस है, अगर हेपेटाइटिस वायरस है वो जो है माउथ के थ्रू एंटर कर दिया, कंटेमिनेटेड ऑफ फूड और वाटर के थ्रू अगर माउथ से एंटर करता है, वो लिवर को टारगेट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो कौन सी डिजीज कॉज करेगा, वो जॉइंटिस कॉज करेगा. ओके, अब देखिए, अब यहां पे जो है अगर माइक्रोब सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू एंटर करता है, सेक्सुअल अगर ऑर्गन के थ्रू कोई भी माइक्रोब एंटर करता है तो वहां पे वो इन्फेक्ट करेगा लिम्फ नोड्स पे, हमारी बॉडी में जितने भी लिम्फ नोड्स हैं उन सबको इन्फेक्टेड कर देगा और क्या कॉज करेगा, एड्स कॉज करेगा. और हमें मालूम है कि एड्स किसकी वजह से होता है, एचआईवी वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से. इसका मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है वो सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करके एड्स कॉज करता है, ठीक है. अब हम आते हैं अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉस्किटो बाइट से, क्योंकि वेक्टर के थ्रू भी तो फैलती है ना डिजीजेस, अगर मॉस्किटो बाइट से अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर तो उसके दो टारगेट हो सकते हैं, या तो वो लिवर को टारगेट करेगा या फिर वो इन्फेक्ट करेगा हमारे ब्रेन को. अब ये डिपेंड करता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या. अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, अगर मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होता है, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज जो है वो उसके ऊपर आती है, एग ले करती है, जब तक वो एग ले करती है वो जो प्रोटोजोआ है जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो उसके जो है माउथ में एंटर कर देता है, उसको इन्फेक्ट नहीं करता. और वो अगर किसी भी ह्यूमन को बाइट करता है तो वो उसके लिवर में इन्फेक्ट करता है, वहां जाके वो उसके आरबीसीज को रप्चर करता है और मलेरिया कॉज करता है.
ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो ऑर्गन है वो इन्फेक्ट हुआ है, लिवर, और लिवर ने क्या किया, आरबीसीज को रप्चर किया है और उसके बाद कॉज किया है मलेरिया। यहाँ पे अगर दूसरा जेईवी जो वायरस है, जेईवी वायरस अगर मॉस्किटो बाइट के थ्रू एंटर करता है हमारी बॉडी में तो वो इन्फेक्ट करेगा हमारे ब्रेन को और कॉज करेगा जापानीज एनसेफेलाइटिस। इसी तरह से जितने भी ये माइक्रोब्स हैं ये हमारी बॉडी के डिफरेंट जो क्या बोलते हैं कि डोर्स हैं हमारी बॉडी के, डिफरेंट डोर्स के थ्रू ये एंटर करता है और डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गेन को ये टारगेट करता है और फिर वहां पर डिजीज कॉज करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। जितनी भी डिजीजेज होते हैं इनके कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं। अब सपोज कीजिए आप डॉक्टर के पास गए, आपको कुछ अंदर से नॉर्मल नहीं लग रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब पूछते हैं कि भाई आप क्या दिक्कत है आपको, आपको सर में दर्द है या आपको वॉमिटिंग हो रही है या आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो दीज आर द साइंस, ये साइन है जिसकी वजह से वो पकड़ने की कोशिश करते हैं कि डिजीज क्या हो सकती है। फिर आप रिप्लाई करेंगे नहीं डॉक्टर साहब मेरा सिर में तो दर्द नहीं है, वॉमिटिंग नहीं आ रही, हाँ लेकिन मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सो दीज आर द सिम्टम्स, ये सिम्टम्स हैं जो आप बता रहे हैं, इस सिम्टम्स के बेस पे डॉक्टर बताएगा कि आपको ये दिक्कत हो सकती है या आपको ये दिक्कत है या आपको ये डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो हम डिपेंड करते हैं टिश्यू और ऑर्गन को जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने या पैथोजन ने टारगेट किया है। ठीक है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गन को या जिस टिश्यू को टारगेट करेगा और जो डिजीज कॉज करेगा वैसे ही उसके साइन और सिम्टम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर माइक्रोब ने अगर लिवर पे अटैक किया है तो उसे जॉइंडस हो जाएगा, जॉइंडस हो जाएगा तो उसके क्या सिम्टम होते हैं कि भाई पूरी बॉडी आपकी येलोइश हो जाती है। ठीक है ना, यूरिन भी आपका येलो काफी मतलब डार्क येलो कलर का होता है और आईज में भी आपकी येलोइश आ जाता है। ठीक है, अगर अगर आपका अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग को टारगेट करता है तो आपके साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, खांसी आ रही है, कफ है, ब्रेथलेसनेस है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेन को टारगेट करता है तो क्या होता है, अगर ब्रेन को टारगेट करता है तो क्या होगा, हेडेक हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है या अनइजीनेस हो रहा है, अनकॉन्शियसनेस हो रहा है, तो ये आपके साइन और सिम्टम्स होते हैं। अब यहाँ पे डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, कर गया है और वो डिजीज कॉज करने की कोशिश कर रहा है या डिजीज कॉज कर रहा है, तो वहां पे एक चीज आती है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक अपना एक इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है, एक पावर होती है जिसकी वजह से हम अपने बॉडी के अंदर कुछ अगर फॉरेन पार्टिकल या कोई पैथोजन एंटर कर जाता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जो अफेक्टेड टिश्यूज हैं, जो अफेक्टेड टिश्यूज हैं उसके सेल्स को रिक्रूट करते हैं ताकि वो पैथोजन को किल कर सके। पैथोजन मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है वो उसको किल कर सके, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन।